त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद सभी पंचायत का दायित्व है कि अपने अपने पंचायत का समग्र विकास करें, परंतु प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी ब्लॉक के परसद गांव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण शेर बहादुर सहित 600 लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इस टोले की जो सबसे मुख्य बड़ी समस्या ये पैदा हुई है, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, ओनली फॉर एक नाली की निकासी की व्यवस्था हो जाए, जिससे हम लोगों को पानी, बरसात का पानी, जो हमारे यहाँ हैंडपम्प छोटे छोटे 6 नंबर वाले लगे हैं, बड़े हैंडपम्प लगे हैं, लेकिन उनका पानी जो है निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जो पानी है बगल जो है काम वहीं बजबजा रहा है, सड़ रहा है, उसी का पानी रिस करके उसी हैंडपम्प के अंदर जा रहा है और उसी को हम लोग पी रहे हैं। पानी की निकासी नहीं हो रहा है, जल जमाव हो जाता है, नाली नहीं है, नाली की निकास था, आज के 60 साल पहले पानी निकला जाता था, लेकिन आज सब नालियाँ बंद कर दी गई हैं। यहाँ मच्छर की शिकायतें बहुत है, इतना अधिक मच्छर लगते हैं जिसकी वजह से आम बीमारियाँ बन रही हैं, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सब बीमारियाँ बन जा रही हैं। कि हमारा लड़का आज 1.5 महीने से बीमार है, उसको मैं इलाज कराते कराते ऊब जा रहा हूँ, काफ़ी पैसा हमारा नुकसान हो रहा है। मैं ग्राम पंचायत प्रधान से भी कहा और कई अन्य लोगों से कहा, लेकिन इसका कोई निदान करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कई ग्राम पंचायतें यहाँ बार बार आई और चली गई, कई प्रधान बदल गए, लेकिन इसके बावजूद भी इस गांव की समस्या दूर नहीं हो पा रही, कोई काम नहीं करता। इतने प्रधान हो गए लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस गांव को, इस टोले को देखना नहीं चाह रहा है। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि जल्द से जल्द इस गाँव में पक्की नाली बनवाई जाए। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील है कि प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी के वीडियो के मोबाइल नंबर 94156609094 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं, ताकि यहां जल्द से जल्द पक्की नाली बने। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।